સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વિધાનસભા 61 લીંબડીના ચુડા ખાતે ભાજપની સભા યોજાઈ હતી. આ સભામાં યુપીના મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથજી હાજર રહ્યા હતા, તેમજ ગુજરાત સરકારે જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે તેની રૂપરેખાઓ પણ આપી હતી. આ સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ઐતિહાસિક જીત અપાવવા અપીલ કરી હતી. અહેવાલ દીપક સિવાગેલા, લીંબડી. 5 ડિસેમ્બર મેં રામ જન્મભૂમિ સે સંબંધિત વિવાદ કા સમાધાન હો इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि सुनवाई टाल दी जानी चाहिए, सुनवाई को टालना चाहते हैं, सुनवाई ना हो इसके लिए एड़ी चोटी उनके द्वारा की जा रही है. क्योंकि जब सुनवाई हो जाएगी, कोर्ट फैसला करेगा, तो उन्हें मालूम है सौहार्द की एक नई स्थिति देश के अंदर पैदा होगी. लोग आपस में मिलकर के विकास के बारे में सोचेंगे, लेकिन विकास कांग्रेस नहीं चाहती. और यही कारण है कि आज पग पग पर बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं. कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए किस हैसियत से गए थे, क्या राहुल गांधी का उन्हें समर्थन था या नहीं था, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा. और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, ये कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है, ये कांग्रेस देश के लिए एक समस्या बन चुकी है. और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस को अब विसर्जन कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का अध्यक्ष पद पर आना पूज्य महात्मा गांधी के सपने को साकार कर देगा, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में यह मान्यता है कि वह जब भी किसी चुनाव का नेतृत्व करते हैं